देखिए, सदस्यता रद्द करने का आदेश कानूनी रूप से गलत है, बल्कि मैं कह सकता हूं गैर कानूनी है, क्योंकि जिस अनुच्छेद 102 ई और सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट का हवाला उस आदेश में है, उसी सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 में यह क्लियरली लिखा है कि जब कभी कोई ऐसी कन्विक्शन होती है उस कन्विक्शन के 90 डेज तक उनको वेट करना है, और 90 डेज के अंदर कोई अपील और एप्लीकेशन जजमेंट के खिलाफ आती है तो उस जब तक उस अपील और एप्लीकेशन का फैसला नहीं आता तब तक कोई भी सदस्यता रद्द नहीं किया सकती है। ये सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसी में इसका प्रावधान है। अब उन्हीं का हवाला देते हुए सेक्रेटरी जनरल की तरफ से आदेश निकला है जो ना तो न्याय संगत है ना तर्क संगत है, और क्लियरली ये सेक्शन 8(4) की अवहेलना है। इसको उचित न्यायालय में जाकर के इसको चैलेंज किया जाएगा कानूनी रूप से, इसको कांग्रेस पार्टी इस ऑर्डर को भी चैलेंज करेगी। लेकिन इस आदेश से एक चीज साफ हो चुकी है कि जो भय राहुल गांधी के विपक्ष की आवाज बनने से केंद्र सरकार को हो रहा है वो भय आज जाहिर हो चुका है, और केंद्र सरकार की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो केंद्र सरकार की बौखलाहट है, वो इस आदेश से सामने आई है।